एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई, माई नेम इज दीपिका एंड आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है सरोजनी नगर व्लॉग और थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं बहुत टाइम से विंटर कलेक्शन देखी थी सरोजनी का, तो मेरा बहुत मन कर रहा था जाने का। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं है, मैं ऑलरेडी नेपाल से बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी, बट मेरा बहुत मन था जाने का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जा रही हूँ तो वीडियो बना लूँ। तो मेरे साथ जा रही है मेरी एक स्पेशल फ्रेंड, वो जब मुझे मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी। और बहुत लोग उसको जानते भी होंगे और बहुत लोग उसको नहीं भी जानते होंगे, तो लेट्स सी। So finally she's here. Hi. और ये है श्वेता। हाय हाय हाय। और ये हंसती रहती है पूरे ब्लॉग में, आप देखना ये हंसती रहेगी। तो हम जा रहे हैं मेट्रो से और अब हम मिलते हैं वहां जाके। बाय। पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ एंट्री का सीन है। गेट नंबर 3। सारी जो भी ट्रेंडिंग वगैरह एक्सेसरीज है सारी यही मिलती है। हंड्रेड का वो है और क्या है स्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? स्वेटर ही बोलते हैं। नहीं नहीं ये स्टॉल। ओके अच्छा अच्छा। सो ये 100 रुपीज का स्टॉल है यहाँ पे, मतलब 100 के ही स्वेटर है और काफी अच्छे हैं, बैगी बैगी। और ये हमारी श्वेता देख रही है। अरे बाप रे, ये भैया कान में क्या चला के चल रहे। क्या प्राइस है भैया? 150। बहुत सही यार, 150 है तो सब कुछ 150 का है। तो ये 114 शॉप नंबर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे स्वेटर्स हैं, काफी ट्रेंडी, अच्छे लग रहे हैं काफी। पसंद आया अभी तक? देख रही हूँ। हम बस देख रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, बट ऐसा ना कंफर्म सा नहीं हो रहा कि क्या है, बट मजा आ रहा है घूमने में। हाँ, तो मैं ऐसे नई हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं कोई लुक ही क्रिएट कर लूँ। तो मैंने कैंडल जेनर का ये वाला लुक देखा था, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्वेटर ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम ना दो लुक क्रिएट करेंगे, कैंडल कैंडल। ओके, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम दो लुक क्रिएट करेंगे कैंडल जेनर के। तो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी फर्स्ट हम ये ढूंढ रहे हैं, सेकंड ये एक स्वेटर है और नीचे, और सेकंड ये है शर्ट शर्ट। तो हमें ग्रीन तो मिला है बट उसका कलर थोड़ा अलग है, तो लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता। और हम ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत ढूंढने के बाद हमें ये पसंद आया है और ये
उससे पूरे मैच कर रहा है। 100% तो नहीं बोलेंगे बट 99% ये मैच कर रहा है, तो हम ये वाला परचेज करेंगे और इसका प्राइस है 2000। तो यहाँ पे जीन्स है और उसमें ज़ारा के टैग्स लगे हुए हैं। Oh my God। और अभी हमने लुक तो अपना जो हमें बनाना था वो तो हमने सारा खरीद लिया है और अभी रश भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं, अभी तो कुछ मिल जाए अच्छा लगे पसंद आएगा तो ही, वरना बस आज का जो हमारा काम था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिशन बहुत मुश्किल से। शॉपिंग करने के बाद लास्ट ऑप्शन यही बचता है खाना, फूड। और हमने लिए छोले कुलचे, इसके बाद हम खाएंगे मोमोज। मतलब शॉपिंग से ज़्यादा हमें खाने की पड़ी है। चलो खाने दो, डिस्टर्ब मत। अभी हमने सरोजनी से शॉपिंग कर लिया है और देखो भाई कितनी सारी शॉपिंग कर ली है, लिटरली हंसी आ रही है। हमारा पूरा मन था वीडियो बनाने का और हमने थोड़ी बहुत बनाई थी बट बहुत ज़्यादा रश हो गया था, हद से ज़्यादा रश हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं सीपी और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, बस इससे ज़्यादा नहीं होता हमसे, हमारा दिन यहीं ख़त्म। अच्छा चलिए गाना येलो लाइन। भाई साहब हम लोग इतनी देर से आई रहे में घूम रहे हैं, कभी उधर एग्जिट कभी इधर एग्जिट, लाइन नहीं ढूंढ पा रहे हम। इतनी बातें कर ली, इतनी बातों में बिजी हो गए हम। तो अभी हम आए कहाँ हैं, हम आए हैं एसआरसी मंडी हाउस और यहाँ पे हम सिर्फ खाने आए हैं और अभी हमने मोमोज ऑर्डर करे और ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया। बस खा लो, जन्नत मुँह बना बना के खा रहे हैं यार। लेकिन तेरा सही है पता, तेरा भी बहुत बड़ा फेस है। मेरा अंडा फेस है और ऐसे बहुत क्यूट सेल्फीज बहुत क्यूट आती है, ऐसे बॉइल्ड एग लगती हूँ मैं, खिला हूँ अंडा। मैं तो भी चिली भी आने लगी हूँ। पोटैटो मैं लगती हूँ पोटैटो पोटैटो यार खा लेंगे बस। ऐसे स्ट्रीट फूड देख के ना पर रोज ही खाना अच्छा, सही में अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता भी नहीं यार आसानी से ना, इसलिए जगह हमने फिक्स कर लिया। ये है चिली पोटैटो और ये है पोटैटो। हमने शॉपिंग कर ली और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी और अभी जा रही है अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर, बाय। ओके तो फाइनली मैं मार्केट से घर आ गई हूँ और लास्ट में इतना ज़्यादा रश हो गया था, मतलब ऐसा हो रहा था कि कब घर जाऊँ कब घर जाऊँ, बट वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था और उसके लिए आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों के अंदर इतना पेशेंट नहीं था कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो जो मैं आउटफिट लाई हूँ मैं उसकी डिटेल आपको बताऊँगी, उसका प्राइस, उसका फैब्रिक, उसकी क्वालिटी सब कुछ, और पहन के भी दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वेटर से, तो ये स्वेटर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, मतलब इस स्वेटर के पीछे हमने पूरा सरोजनी नगर एक्सप्लोर कर दिया, कहीं पे कलर मिल रहा था तो फैब्रिक नहीं मिल रहा था, फैब्रिक मिल रहा था तो डिज़ाइन अलग था, बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल से ये स्वेटर मिला और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और आई गेस जो लुक मैंने क्रिएट किया है उससे 99% ये मैच कर रहा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और कलर तो मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है और फिटेड भी है, फिटेड स्वेटर है जैसा उस लुक में है और ना ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है, बहुत प्यारा लग रहा है और इसका प्राइस हमें पड़ा 250 का, जो कि बहुत सही लगा मुझे जिस हिसाब से उसकी क्वालिटी है और ये पहन के तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब बात करते हैं बॉटम वेयर की, तो ये ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। सो उस लुक में कैंडल ने ब्लैक कलर की स्ट्रेट पैंट पहनी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, सोबर लग रही है। तो जैसे हमने डिसाइड किया ना कि हम ये लुक क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाते ही हमें ये पैंट मिल गई जो कि एग्जैक्टली सेम वैसे ही है
और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बनती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, बहुत सारी पैंट्स थी। सरोजनी में ना पैंट्स बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी मिल जाती है, तो हमें ये मिल गई। एंड इसका साइज भी बहुत अच्छा है, ये भी स्ट्रेट है बट ये थोड़ी सी लॉन्ग है नीचे से, बट बहुत प्यारी लग रही है और पहन के तो ये और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। सो इसका प्राइस हमें पड़ा 200 का, वो हमें 300 बोल रहे थे, आई गेस या 400 बोल रहे थे, तो हमने बार्गेनिंग करा के इसको 200 पे ले लिया। ओके, तो ये हमारा फाइनल लुक, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने 99% मैच कर लिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। सो उसने नीचे से बूट्स पहने, तो मैंने भी स्टाइल करने के लिए नीचे से बूट्स पहन लिए, और ये विंटर के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट आउटफिट है। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।